हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। सो आज है वेडनेसडे और अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहा है, शायद 12 के आसपास ही हो रहा होगा ऐसे कुछ। तो मॉर्निंग का सारा काम वगैरह हो गया है, सब कंप्लीट करके आज आप लोगों से बात करने बैठी हूँ। और काम वाली दीदी भी आज से ज्वाइन की है, क्योंकि वो चार दिन से नहीं आ रही है। और चार दिन से मेरे काम का इतना प्रेशर हो रखा था कि मैं पागल हो जा रही थी। तो चलिए, आज फाइनली वो आ गई है और घर वर साफ़ कर देती हूँ। वैसे बर्तन वर्तन का काम मैंने कल रात में ही करके रखा था, क्योंकि वो चार दिन से आ रही नहीं थी। फिर आज भी आएगी कि नहीं आएगी कुछ पता नहीं था, क्योंकि ये लोग तो बताता तो कुछ है नहीं। और रहा बात फ़ोन नंबर वगैरह मांगने का, तो सीधा कहता है कि फ़ोन ही नहीं है, तो ये लोगों का ऐसा बहाना चलता है। तो यहाँ पे कुछ बोला भी नहीं जा सकता है, तो ये है। तो चार दिन से नहीं आ रही थी, इस वजह से मैं सारे बर्तन वर्तन धो के सब कुछ बर्तन वर्तन रात में ही धो के अच्छे से रख देती। क्योंकि जब मैं बर्तन धोती थी तो मैं ऑब्वियसली मैं हमेशा रात में सारा किचन को पूरा क्लीन करके रखती हूँ, तो इसीलिए सारे बर्तन भी क्लीन करके मैंने रख दिया था। तो ये है, और बस वो आई अपना घर भर झाड़ू पोछा करी, वही करी। और तो आज सुबह मैं ब्रेकफास्ट बाहर से मंगवाई थी। ब्रेकफास्ट में मैं आज मंगवाई थी ये डोसा मंगवाई थी, और हम लोग का डोसा खा लिए। मैं अपने लिए सिर्फ दो सांभर बड़ा मंगाई थी और हस्बैंड अपने लिए डोसा लेके आए थे, तो वो डोसा खा लिए। और अभी मैं बनाऊँगी कल वाला ही पुलाव, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कल का पुलाव बहुत अच्छा लगा। और वो फर्स्ट टाइम खाए थे, वो कभी नहीं खाए थे, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को ये जो गोविंदो भोग चावल है वो बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। तो कल मैं उनको पुलाव की तरह बना के दी थी, तो उनको बहुत पसंद आया था, तो इसलिए बोले आज भी वही बनाने के लिए। तो इसलिए अभी मैं वही बनाऊँगी और आज मैं रायता बनाऊँगी। तो चलिए, और कैंडी को आज मैं दही चावल दे दूँगी। तो चलिए आप लोगों को मैं एक बार दिखा देती हूँ कि मैं कैसे पुलाव बनाती हूँ। कुछ भी नहीं है, जस्ट सारे वेजेस को काटती हूँ और चावल के साथ मिक्स करके डाल देती हूँ। तो चलिए आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। और सबसे बड़ा बात है ना, मेरा कुकर भी ख़राब हो गया है, अभी मुझे कुकर भी लेना है। तो शायद मैं अभी इस वीक तो होगा नहीं, नेक्स्ट वीक जाके मैं कुकर ले आऊँगी, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है कुकर के बिना। इसका एक्चुअली इस कुकर में सीटी नहीं आ रही, और सीटी नहीं आने से ना समझ में नहीं आता कि हुआ है कि नहीं। कल भी चावल थोड़ा सा गल गया था, तो इसलिए अब समझ में नहीं आता है कि चावल बन गया है कि नहीं बन गया है। तो जाके मुझे पहले एक कुकर लेना पड़ेगा, तो शायद मैं नेक्स्ट वीक जाऊँगी एक कुकर लेने के लिए। तो चलिए आप लोग भी। हेलो एवरीवन, तो सब कुछ मेरा रेडी हो गया। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या ली हूँ और कैसे बना रही हूँ, तो आप लोग चलिए एक बार देख लीजिए। यहाँ पे मैंने चावल को अच्छे से धो लिया है, धो के इसको थोड़े से पानी निकाल के ऐसे ही रख दिया है। तो देखिए चावल भी धुल गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे सारा वेजिटेबल्स काट ली हूँ। यहाँ पे आलू है, गाजर है और बीन्स है और कैप्सिकम है। तो ये इन सारे वेजेस को मैंने यहाँ पे काट के थोड़े देर पानी में भिगो के रख दिया है। मुझे घी और यहाँ पे है राई और करी पत्ता ऑप्शनल है, आपके पास है तो दीजिए, वरना मत दीजिए, स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर हरी मिर्ची को मैं थोड़ा बड़े बड़े साइज़ में काट ली हूँ। और यहाँ पर नमक, तो ये है नमक। तो क्या क्या चाहिए ये तो मैं आप लोगों को दिखा दी हूँ, अब मैं कैसे बनाती हूँ ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मुझे पता है कि बहुत लोगों को पता होगा, क्योंकि एकदम सिंपल प्रोसेसिंग है। तो भी मैं जैसे बनानी हूँ वही मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ शेयर कर रही हूँ, बस और कुछ नहीं। तो चलिए फटाफट दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने कैंडी का भी चावल ले लिया है, बस इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख रही हूँ, फिर इसमें दही मिला के मैं उसको दे दूँगी। तो चलिए पहले चावल को मैं चढ़ा देती हूँ, छोक लेती हूँ, उसके बाद मैं कैंडी को खाना दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुकर को चढ़ा दिया है, और कुकर में मैं घी डाल रही हूँ। घी को थोड़ा सा मेल्ट होने दीजिएगा, उसके बाद ये सारा चिकन का सब डाल दीजिएगा, राई हुआ, कड़ी पत्ता हुआ, हरी मिर्ची हुआ। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची का क्वांटिटी आप कमा भी सकते हो, और आप अगर कड़ी पत्ता नहीं खाते हो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। तो इसमें अब मैं सारा वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी। उससे पहले आप चाहो तो प्याज और टमाटर खाना चाहते हो तो आप इसमें प्याज भी डाल सकते हो। प्याज डाल के उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा ब्राउनी होने के बाद
बाद आप इसमें टमाटर डाल के सारे वेजिटेबल्स डाल दीजिए, वो भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। और इसमें आप चाहो तो एक चीज़ और ऐड कर सकते हो जो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, तो वो है सोयाबीन। सोयाबीन भी आप ऐड कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी सोयाबीन ऐड करती हूँ। बट आज सोयाबीन ऐड नहीं किया है क्योंकि मेरे पास सोयाबीन था नहीं, इसलिए मैं सोयाबीन नहीं डाल रही हूँ, बट मैं सोयाबीन भी डालती हूँ। खाने में टेस्ट लगता है बहुत, जो है सोयाबीन नहीं खाते हैं, बट जो लोग सोयाबीन खाते हैं वो लोग से ऐड कर सकते हैं। और देखिए मैं ये वेजिटेबल्स को अच्छे से मिला ली हूँ और इसमें अब डाल दूँगी चावल। तो चावल को डालने के बाद चावल और ये वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि चावल और वेजिटेबल्स आपके अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए मैंने मिक्स जैसे किया है वैसे ही कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं अब डाल दूँगी नमक। नमक डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें आप अपना चावल के क्वांटिटी से पानी को ऐड कर दीजिए और उसके बाद ढक दीजिए। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो उसके बाद ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट बाद प्रेशर कुकर खोल के देख लीजिएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए। सो यहाँ पर मेरा कैंडी का खाना भी रेडी हो गया है, जस्ट बस उसके प्लेट में डाल के दे दूँगी। और यहाँ पे जब तक पुलाव होता है तब तक मैं कैंडी को बैठ के खिला देती हूँ, क्योंकि उसे बैठ के खिलाना पड़ता है। तो चलिए कैंडी को खिला के फिर तब तक चावल भी हो जाएगा, उसके बाद चावल होने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए बन गया है मेरा पुलाव और देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। बट फिर से आज थोड़ा सा गल गया है, पर क्या करूँ, कुकर ऐसा ख़राब है तो क्या कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैंने प्लेट भी सजा लिया है, तो प्लेट में देखिए पूरा फ्लैग वाला कलर आ रहा है ना, ग्रीन, ये ऑरेंज और ये वाइट, अच्छा लग रहा है ना देख के। तो यहाँ पे चलिए हम लोग लंच कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए इसका बनमासी जारी है, मंदिर में चढ़ के फूल खा रहा है, ये इसी तरह से बनमासी करता है। तो चलिए गाइस अभी हो गया है शाम और मैं पूजा वूजा करके एकदम से किचन में आ गई हूँ और अभी बना रही हूँ मैगी। तो अभी कितना बज रहा होगा, यही 7:15 या 7:30 बज रहा होगा ऐसे ही कुछ। तो आज बहुत दिन बाद मैगी खाने का मन किया, तो इसीलिए सोचे क्यों ना आज मैगी बना लूँ। तो चलिए देखिए मेरा मैगी रेडी भी हो गया है, तो चलिए हम लोग मैगी वगैरह खा लेते हैं। और यहाँ पर मैं फिर से एक चोर को पकड़ी हूँ जिसका बनमासी, मतलब आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा बनमासी चल रहा है, तो अभी मैं चिल्लाई बोल के ये नीचे आके बैठ गया है। तो चलिए गुड इवनिंग एवरीवन। तो देखिए अभी मैं मैगी बनाई हूँ, बट उसके पहले मेरा नहाना वाना और पूजा वूजा का सब कुछ हो चुका है। शाम का जो मैं पूजा वूजा करती हूँ वो सब कुछ हो गया है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा भूख लग रहा था और इसीलिए मैगी बना ली थी, पर आज चाय नहीं बनाई क्योंकि हम लोगों को चाय का हैबिट बोल के कुछ नहीं है। जस्ट नॉर्मली ऐसी चाय पी लेते हैं कि शाम का थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खाते, मुड़ी वगैरह खाते, तो उसके साथ थोड़ा सा चाय अच्छा लगता है, इसलिए चाय पी लेते हैं। चाय का हैबिट बोल के हम लोगों ने नहीं डाला है, अगर शाम को होता है तो ठीक है, नहीं होता तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए आज मैगी बनाई थी, तो मैगी के साथ चाय का कोई मेल नहीं था, तो इसलिए आज चाय वाय नहीं बनाई थी, सिर्फ मैगी बनाई थी और हम लोग मैगी खा लिए हैं। तो अभी डिनर का भी कोई सोचा नहीं है कि डिनर क्या बनाऊंगी, बट अभी मेरे को बहुत थकावट फील हो रही है। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि कितना सारा कपड़ा भी पड़ा हुआ है जो मुझे फोल्ड करना है, तो आप लोग एक बार देखिए यहाँ पे कपड़ा पड़ा हुआ है जो मुझे फ़ोल्ड करना है। पर देखती हूँ आज, और फोल्ड नहीं करूँगी आज, ये कपड़ा को उठा के रख दूँगी अभी, फोल्ड मैं कल करूँगी क्योंकि आज बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे मन कर रहा है ना कि मैं थोड़ा देर सो जाऊँ क्योंकि बहुत नींद सा आ रहा है। तो अभी मैं बैठ के अगर मैं कपड़ा फोल्ड करूँगी तो बिल्कुल होगा नहीं, मुझे पता है। एक छोटा सा पावर नैप का मुझे बहुत ज़रूरी है क्योंकि 3 दिन से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है, 3 दिन से काम का लोड बहुत ज़्यादा है मेरे ऊपर। घर का काम, कैंडी को देखना, पूचू को देखना, फिर जो आगे की थोड़ी सी पढ़ाई वढ़ाई का जो प्लानिंग कर रही हूँ वो सब कुछ देखना। आज दोपहर में भी बैठ के सारे दिन में, आज दोपहर में भी लंच के बाद पूरे टाइम मैं लैपटॉप लेके ही बैठी थी, थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी कि क्या करना है नहीं करना है उस वजह से, तो वही लेके बैठी हुई थी। उसके बाद शाम को, फिर शाम को पूजा वूजा का काम रहता है, शाम का स्नैक्स नाश्ता वगैरह बनाना रहता है, तो वो सब मैं लगी रहती हूँ। तो 2-4 दिन से दीदी भी नहीं आ रही थी, तो काम का वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो रहा था। घर साफ़ करना, घर पोछा मारना, सब कुछ ही तो एक साथ हो जा रहा था, इसलिए रेस्ट का मुझे दिन में टाइम भी नहीं मिल रहा है। तो आज मैं बहुत थका थका सा फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ। तो मैं अभी एक छोटा सा पावर नैप लूँगी क्योंकि पावर नैप लेने से थोड़ा सा फ्रेश फील होता है। जब आपको लगे ना कि आप एकदम थका सा फील कर रहे हो और कुछ कर काम नहीं कर पाओगे, तो ज़ोर ज़बरदस्ती काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे आप छोटा सा एक पावर नैप ले लीजिए, तब उठने के बाद वो काम में आपका डबल एनर्जी आता है। ये मेरे साथ होता है, इसीलिए जब मैं बहुत थकावट फील करती हूँ तो मैं
रेस्ट करती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा देर रेस्ट, आधा एक घंटा रेस्ट करने के बाद ही वो काम करती हूँ, तो डबल एनर्जी के साथ मैं वो काम को जल्दी कर पाती हूँ। तो यही है। और यहाँ पे मेरा एक पिंपल्स हो रखा है जो बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ दिन पहले यहाँ हुआ था तो वो ठीक हो गया, अभी यहाँ हुआ है। तो इसके लिए भी मैं आज आप लोगों को एक उपाय बताती हूँ, एकदम घरेलू नुस्खा है, कुछ नहीं है। रात को जब आप फेस वॉश अच्छे से कर लीजिए, मोस्टली सबको ही रात को फेस वॉश करके ही सोते हैं, तो रात को अच्छे से फेस वॉश कर लीजिए और आपका जो नाइट रूटीन है वो भी कर लीजिए। उसके बाद जब आप सोने जा रहे हो तब वाइट कोलगेट, जो वाइट वाला जो कोलगेट आता है वो कोलगेट आप जहाँ जहाँ आपके पिंपल्स आ रहे हैं वहाँ वहाँ आप इसको डैब डैब करके लगा लीजिए। तो उससे क्या होता है, पिंपल्स एक या दो दिन में चला जाता है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि शादी के पहले, अभी तो फ़िलहाल ये सब नहीं प्रॉब्लम है, टच उड अभी मुझे ये सब का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी एक दो दिन से देख रही हूँ, पता नहीं शायद गर्मी की वजह से हो रहा है। तो ये उस दिन यहाँ निकला था, उसके बाद यहाँ बहुत साल बाद निकला था, बहुत साल बाद निकला है ऐसा। शादी के पहले, मतलब शादी के पहले क्या बोलूँ, हाँ शादी के पहले मुझे ये पिंपल्स का प्रॉब्लम था, बस शादी के बाद ये पिंपल्स प्रॉब्लम मेरा चला गया था। तो जब भी मुझे पिंपल्स वगैरह होता तो मैं रात को अच्छे से फेस वॉश करती थी एंड उसके बाद मैं वाइट वाला एक पेप्सो, वाइट वाला कोलगेट जो आता है वो मैं लगा लेती थी और रात को वो लगा के सो जाती थी। उससे मेरा पिंपल्स एक या दो दिन में आराम से चला जाता था और उसका कोई स्पॉट दाग भी नहीं होता था। आप मेरे फेस पे देख सकते हैं, यहाँ यहाँ बहुत सारे पिंपल्स मुझे होते थे, अभी मेरे फेस पे कोई भी स्पॉट दाग नहीं है, कि पिंपल्स का कोई भी दाग नहीं है। तो ये बहुत अच्छा नुस्खा है एकदम घर का, क्योंकि कोलगेट सबके पास रहता है और अगर जो कोई कोलगेट यूज़ नहीं करते तो छोटा वाला कोलगेट आता है वो ले आइए और उससे उसको लगाइए। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं लगाई हूँ और मुझे इसका रिज़ल्ट, पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला है, इसलिए आज मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कभी आप लोग मतलब इसको ट्राई करके देखिएगा, शायद ये आप लोगों का काम आ जाए। तो चलिए आज के वीडियो को फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तो जाने से पहले आप लोगों को क्या करना है ये आप लोगों को अच्छे से पता है, तो जी हाँ एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आप चाहो तो मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो, मैं इंस्टा में भी बहुत सारा रील बनाती हूँ, तो वहाँ पे भी अगर आप मेरा रील देखने में इंटरेस्ट हो तो वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप मुझे पर्सनली बात करना चाहते हो तो इंस्टा में आप मुझे DM भी कर सकते हो। और इस वीडियो के बारे में आपको कोई सजेशन देना हो या कोई भी कुछ पूछना हो तो नीचे कॉमेंट में लिख के मुझे पूछ लीजिएगा या मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए, और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में छोटी सी बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए आज के वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ, आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड गुड नाइट।